हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाले मूली के पराठे की रेसिपी। इसको आपको ज्यादा घी तेल लगा के तलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये पराठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज की मूली ली है। अब इसका हम पीलर की सहायता से ऊपर का छिलका उतार देंगे। मूली के ऊपर से छिलका उतारने के बाद अब हम मूली को अच्छे से घिस लेंगे। दोस्तों, क्योंकि कुट्टू की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है और मूली ठंडी होती है, तो हम इसके पराठे बनाएंगे तब कुट्टू हमारे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर 1.5 कप कुट्टू का आटा डालेंगे। आप चाहे तो कुट्टू के साथ सिंघाड़े का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने जो मूली घिसी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों, मूली के पराठे बनाने के लिए हमारे को मूली के अंदर से पानी निकालने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही मूली को आटे के अंदर डाल देंगे। इससे मूली के पराठों का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ में ही कुट्टू के आटे की थोड़ी सी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच काली मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 मिर्च को बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। अब इसका हम आटा लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारे को यहाँ पे आटा लगाते हुए पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मूली के अंदर अपना ही काफी सारा पहले से ही पानी होगा, इसीलिए हम इसको अभी ऐसे ही गूंदेंगे। अगर लास्ट में आपको जरूरत लगती है तो तब आप इसके अंदर पानी डालिएगा, नहीं तो आटा पतला हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं आटा गूंथ रही हूँ, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है और आटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डालेंगे और इसकी सतह को अच्छा सा चिकना करके इसको थोड़ा सा दोबारा और गूंथेंगे, ताकि इसके अंदर की सारी पपड़िया पूरी तरीके से खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर आप ऐसी नवरात्रि की और भी टेस्टी और नई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे आटा लग चुका है। आइए अब इसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा हमारे को बिल्कुल वैसे ही सिंपल ही बनाना है। हमारे को आटे की थोड़ी सी लोई लेनी है और इसको अच्छे से बेलते हुए पतला कर लेना है। पराठे पे सूखा आटा लगाने के लिए भी हमारे को यहाँ पे कुट्टू का आटा ही लेना है। दोस्तों, हमारे को यहाँ पे पराठे को बिल्कुल भी बेलने में दिक्कत नहीं होगी और ये बड़ी आसानी से बिल जाएगा। ये देखिए कितनी आराम से बिल रहा है। पराठे के बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल जाने के बाद अब हम गरम तवे के ऊपर पराठा डालेंगे और इसकी एक साइड को थोड़ा सा सिकने देंगे। पराठे की एक साइड सिक जाने के बाद अब हम पराठे को पलट देंगे और इसकी दूसरी साइड पे हम घी या रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसके किनारों पे भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, ताकि इसके किनारे अच्छे से करारे हो जाएं। दोस्तों, जिन लोगों को करारे करारे पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि मूली की वजह से ये पराठा बहुत ही ज्यादा करारा भी बनेगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिकता जा रहा है, कितना बढ़िया तरीके से करारा होता जा रहा है। ये लीजिए, हमारा यहाँ पे पराठा पूरी तरीके से करारा हो चुका है। अब इसको हम दही के साथ, आलू की सब्जी के साथ, जिस मर्जी के साथ आप खाएंगे उसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा स्वाद लगने वाला है। आइए दोस्तों, पराठे को हम तोड़ के दिखाते हैं ये कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से खस्ता बना है। इसको किसी भी उम्र के लोग बड़ी आसानी से खा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।